हमारा जो इशारा है ना वो घर में हो रहे उस अजीब से त्रिकोण की तरफ है। देखोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये कॉम्प्लिकेशन क्या है, जिससे दोस्ती नहीं होनी चाहिए दोस्ती वहां पर है। अब मैं तो ये मैं बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैं बोलना नहीं चाहता। क्या बोल दूं? मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं और कि मेरी गर्लफ्रेंड हो खुदा ना खास्ता और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के एक चाहने वाले जो कि ओपनली मेरे सामने ही चाहेंगे उनको, वो मेरे बहुत करीब रहे, मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होऊंगा, मेरे हाथ कुछ ऐसे कांपने लग जाएंगे और कहीं उनका गाल मेरे हाथ को मार दिए तो मेरे हाथ में बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए मैं मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिएगा, देखिए दिन के 12:15 बजे। कितना प्यार करते हैं इन लोग दोनों यार, दूसरे को टाइम ही नहीं देते यार दोस्तों को। और खान साहब अपने दोस्त थे लेकिन मोहब्बत में खो गए। अब बोलो 3:20 बजे दोस्तों को भी टाइम दे दो थोड़ा। एजाज ये तुम्हारी बकवास करना बंद करो। अच्छा तुम अपने कैरेक्टर में इतना मत बहोगे। तुम क्या मोहब्बत, अब तुम तो यहाँ सब में के सामने जिक्र कर दिया, प्यार तो है पॉइंट, तो फिर दोस्तों को टाइम दो, ये दो वो दो वो सब मत बोलो। अरे फिर क्या, हम कुछ भी बोले खान साहब हमारी, हमको तुम तो कुछ भी बोलते हम सुनती नहीं है क्या यार? ठीक है फिर मैं भी कुछ भी बोलूंगी। एक घंटा टाइम तो दो हमारे को, मुझसे बात मत करना। एक मिनट, तुम्हारी रिंग पड़ी हुई है। बाल छोड़ो वहां खान साहब नहाने जाएंगे अभी। खान साहब बात नहीं करने का धमकी मत दो अभी। मैं कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं जाती, तो मेरा फॉल्ट नहीं है। बात नहीं कर रहे मेरे से? नहीं। भूचाल सिंह कुछ बोल नहीं रहा है तो बेटा बीच में याद रखना फिर। तुम्हारी बातों से मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम बहुत अपसेट हो गौहर से। नहीं नहीं यार। मुझे मत सिखाओ। और बोल देते हो तुम, बोलते बोलते बोल देते। नहीं मैंने दिल में नहीं रखा है ये। रखा है तभी तो निकल रहा है बार बार। अरे दिल में नहीं है मानस ये। देख क्या ये कट गया, जख्म भर गया, निशान रहता ही है भाई, निशान रहता है। वो जो कटा है वो आई थिंक एक और बार कटा है और जख्म नहीं भर रहा है। चले अंदर भरने के लिए थोड़ा सा जख्म या जख्म के ऊपर आई थिंक या टिंचर डालें या तो फिर नमक मिर्ची नींबू। आई थिंक थोड़ा सा पहले हंसी मजाक करके फिर एक का आना जरूरी है। Now we will go. Andy, यार just put her on यार, इसको जरा switch on कर दो। अरे हसीना आपा को जरा switch on कर। हसीना आपा। हाँ भाई। हाँ बेटा बोल। हसीना आपा ये जो पार्टी हुई थी। हाँ। तो एजाज नल से ज्यादा पानी अपनी आंखों से क्यों बाहर आ था? आई वॉन्ट टू नो। बेटा क्या है ना बेटा, उसका बेटा वो गाना गाता था तो उसको उसकी याद आ गई बेटा, रो दिया वो। बेटा? हाँ। आशिकी का गाना? हाँ। बेटा का फेवरेट गाना आशिकी का गाना। तो याद आ गई भाई, एक सेकंड में फट से काम हो गया मेरा। कामिया जब आप गई थी वहां पर कि आपको ऐसा लगा कि आप बेटे की याद में फूट फूट के रो रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि एक मौका मिल गया ये परफॉर्मेंस देने का तो आके एक सोलो परफॉर्मेंस दे दो, या जेन्युइनली जली पड़ी थी? मुझे इतना पता है कि बेटे की याद में नहीं रो रहा था। हाँ नहीं बेटे की याद में नहीं रो रहा। मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ शॉर्ट्स में ऐसा लगा जब वो अरे तुम ही हो रा।
फिर तुम्हें? अरे पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अरे नहीं यार भाई, ऐसा लग रहा कि एक दुल्हन अपनी पति के मरने के बाद चूड़ियां तोड़ रही है। अरे नहीं भाई यार। मतलब के एजाज भाई, अगर ये चक्कर है ना तो लुक्खागिरी की तो हद हो गई भाई। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं। क्या जख्म भर गया? नहीं हाँ भर गया भाई। पुराने जो गए हैं हाँ। वो भर चुके हैं, जो नए आएंगे वो भरे भराए आएंगे। किससे बात कर रहे हो एजाज? हाँ भाई, पीएचडी इसमें मेरी। अच्छा हसीना आपा की जरा मोड में आ जाओ। हाँ बेटा बोल बेटा। आप एक औरत हैं हाँ। और औरत ही औरत का मन समझ सकती है। हाँ बेटा, औरत का मन समझ सकती बेटा, बहुत अच्छे से समझ सकती बेटा। ये गौहर के मन में क्या है बेटा? आपा बेटा, गौहर के मन में कुशाल है बेटा, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, अच्छे से है, मेरी दोस्त है, अच्छी है। फिर एजाज क्यों बावला हो जा रहा थी? हाँ वो बावला हो गया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया वो। हाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है, सही हो गया बाबू। तो ये केमिस्ट्री समझाओ ना मेरे को। एक लड़का एक लड़की से को चाहता है और उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, और वो तो दोनों दोस्त है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो कैमरा में जो अलग अलग आके जो इम्प्रेशन आ रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोस्त है, वो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में प्यार हो गया है, या तो फिर ईगो को ठोस लग गई है। कुछ नहीं कुछ ना, दोस्ती में थोड़ा सा हर्ट हो गया था पहले, बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा। बड़ा कैमरे में ऐसा क्या बोल रहा है? मैं कुछ बोला नहीं कैमरे में, दिखा दो अगर बोला। मैं भी जानना चाहूंगी, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अबाउट क्या है और क्या नहीं, तो अगर आप ऐसा कुछ इंसिनुएट कर रहे हो तो प्लीज मुझे बता दो। इंसिनुएट कोई नहीं कर रहा। कामिया जी आइए। कामिया जी, एक कॉन्वर्सेशन आपकी और एजाज की हुई थी बाहर, तब मैंने एजाज को क्लियरली पूछा भी था कि तुम्हें कोई तुम्हें प्यार या अटैचमेंट उस लेवल की तो नहीं हो गई है गौहर से? तो उसने कहा था हाँ हो तो गई है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। चीज ये है कि भूल गए कि नहीं भूले? अरे भाई भूल गए, वो ऐसा कुछ भूल गए तो प्यार व्यार मतलब दोस्ती का टाइम भूल गए क्या यार भाई? इतने जल्दी कोई भूल जाता है क्या? मैं तो कभी लाइफ में ना भूलूं। अरे भाई प्यार नहीं है ऐसा, तुम गलत कहा भाई, क्या कुछ भी